ठीक ना। संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण में जिसे वायु में उपस्थित नमी है, वायु में उपस्थित क्या है, नमी और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जैसे कोई धातु है अगर वो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से संयोग कर लेती है तो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो कोई भी धातु अगर वायु में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, क्योंकि उसका क्षरण हो जाता है, मतलब क्षरण होने मतलब नष्ट हो जाना, क्षरण हो जाने मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना। तो अगर कोई भी धातु है वो उसका अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब उसमें ऑक्सीजन से उसकी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, मैंने पढ़ा था ना ऑक्सीकरण अपचयन दोनों चीज पढ़ाए थे। तो संक्षारण क्या चीज है, कोई भी धातु है अगर वो खुले में रखी हुई है तो वायु में उपस्थित नमी से या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, ठीक, वह नष्ट होने लगती है, वह नष्ट होने लगती है, इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जिसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में धीरे जंग लगने के बाद धीरे धीरे लोहा क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जंग लगते लगते लोहा एकदम खराब जाता है, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चांदी देखो, चांदी पर काला काला मटेरियल जम जाता है, चांदी पर काली परत जम जाती है, यह भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का। तो खुले में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई धातु इसमें से ली, तो किससे क्रिया कर लेगी, या तो ऑक्सीजन से, या तो वायु में स्थित नमी से, या तो कुछ धीमे जो रसायन है केमिकल से उनसे जब क्रिया करती है तो उसमें क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण। तो लिखेंगे कोई भी धातु, कोई भी धातु, कोई भी धातु यदि कोई भी धातु यदि वायु में उपस्थित नमी ऑक्सीजन या विभिन्न रसायन से विभिन्न रसायन से क्रिया करती है तो उसमें क्षरण होने लगता है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्षरण होने लगता है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं, ठीक। उदाहरण लोहे में जंग लगना, उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। नंबर दो, चांदी पर काली परत जमना, ठीक। कहानी समझ आएगा भी कि अगर संक्षारण समझाना है तुम्हें क्या समझाना पड़ेगा, कि जो वायु में उपस्थित नमी है या ऑक्सीजन है या विभिन्न रसायन है, उनसे जब कोई धातु क्रिया करती है तो क्रिया करने के बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, एक समय ऐसा होता है कि पूरा नष्ट हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। इसी को क्या कहते हैं भैया, संक्षारण। समझ गया कि किसको संक्षारण कहते हैं, कि कोई भी धातु यदि वायु में उपस्थित नमी ऑक्सीजन या विभिन्न रसायन से क्रिया करती है तो उसमें क्षरण होने लगता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक। लोहा का पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब भी लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार घट जाता है कि बढ़ जाता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है,
जंग लगने पर लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है, तो बढ़ जाता है, घटता नहीं, जंग लगने हल्का नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो लिख लेंगे नोट करके, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, नोट करके, नोटिंग करके, नोट नोट, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। कहानी सुनिए भाई, तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। संक्षारण समझ में आ गया, संक्षारण क्या है? यस सर, सच बताना एकदम, यस सर, समझ आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर, अगली हेडिंग देखेंगे, इसको लिख लो, इसको लिख लिया हम लोग, पता चलेगा क्या चीज है। पूछना चाहूंगा मैं एक बार, तुम खड़े हो, तुम बताओ संक्षारण किसे कहते हैं? जब बुआई में वक्त के आधार पर ऑक्सीजन की नमी से मतलब संक्षारण होने लगता है किसी धातु, तो उसमें देखो पहला नंबर दिया, पहले नंबर कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ये कोई धातु, ये कोई धातु, धातु का मतलब मेटल, धातु का मतलब अंग्रेजी क्या बोलते हैं, मेटल। ये धातु है, या तो इसकी रिएक्शन होगी, इसकी क्रिया होगी ऑक्सीजन से, या तो नमी से, या तो किसी प्रकार के रसायन से। जब इसकी क्रिया होगी ना, तो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, कम होने लगेगी, क्षरित होने लगेगी। मान लो इतनी बड़ी थी तो इतनी हो गई, धीरे धीरे पतली हो गई, और फिर धीरे धीरे और पतली हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, फिर इतनी छोटी हो जाएगी, फिर एक समय आएगा इतनी छोटी हो जाएगी, फिर एक समय आएगा इतनी, फिर एक समय आएगा खत्म, क्षरण हो गया। तो जब कोई धातु वायु में, जो हवा चल रही है इसमें एक नमी है, तभी ठंडी लग रही है, वायु में हवा नमी है तभी ठंडी लग रही है, तो वायु में उपस्थित नमी से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर किसी प्रकार के केमिकल से जब क्रिया करती है, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। एक नहीं नष्ट होगी, धीमे धीमे क्रिया करेगी और धीमे धीमे ही नष्ट होगी, धीरे धीरे मंद 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 गति से धीरे धीरे क्रिया करेगी और धीरे से ही क्या होगी, नष्ट होगी। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, साल दो साल भी लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लगातार खुले में पड़ा हुआ है, तो खुले में लोहा बहाओ, फिर कुछ दिन बाद निकल दो, लाल लाल पूरा लगा रहता है जंग, देखियो ना ऐसे जंग लगा हुआ, खुले में फेंक दो, खुले फेंक दोगे तो भाई हवा चल रही है, नमी से क्रिया कर रही है, बारिश हो रही है, पानी से नमी से क्रिया कर रही है, उसमें कोई केमिकल कहीं से बहते हुए आ रहा है, उससे क्रिया कर ली, धातु है तो उसका नेचर ही क्रिया करने का है, करंट इसमें फ्लो होता है, बिल्कुल विद्युत की सुचालक होती है, धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक। सबसे सुग्राही जो धातु है सबसे बढ़िया किसमें, चांदी में, सबसे बढ़िया करंट किसमें जाता है, चांदी में, किसमें भैया, चांदी में। तो सबसे तेज सुचालक कौन है, सबसे अच्छी सुचालक कौन है, कौन है, चांदी। तो सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक धातु, सबसे अच्छी चालक, चालक किसे कहते हैं जिसमें करंट बहुत बढ़िया तेजी से जाए, ठीक है, तो सबसे अच्छी चालक कौन सी है, चांदी। चांदी को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, Ag, ये इसका रासायनिक प्रतीक है, अर्जेंटम, क्या है, अर्जेंटम, क्या भैया, अर्जेंटम। तीसरा, या तो फिर मिश्रित धातु बना दी जाए, कैसी धातु बना दी जाए, मिश्रित धातु, मिश्रित धातु बना दी जाए, मिश्रित धातु बना दी जाए, ठीक, यही मेन तरीके हैं जिससे किसी भी धातु के क्षरण को रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वायु से नमी से दूर रखा जाए, उसके बाद किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाए उसके ऊपर, या फिर क्या कर दिया जाए, मिश्रित धातु बना दी जाए, बस मिश्रित बना देंगे तो क्रिया ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये संक्षारण रोकने का उपाय है, संक्षारण कैसे रोका जाएगा, ये समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया तुम्हें, ये समझ में आ गया, बोला करो भाई, समझ में आता है नहीं आता, तुम खड़े ये बताओ कि किसी भी धातु का संक्षारण रोकना है तो कितने तरीके हैं, कौन कौन से बताओ, रखना,
लिखत समय याद कर लिख चाहिए, लिखो तो बोल बोल अपने मन में लिखो, बैठो उतारे छापे काम में चले। तुम बताओ हाँ किधर है बताओ, कहीं तक गंभीरता विकृत गंभीरता रेंसिडिटी। देखो मैं शब्द का मायने समझा दूंगा बस आप लोग समझ जाओगे। गंध का मतलब होता है खुशबू और विकृत मतलब होता है अजीब तरीके से। तो जिस पदार्थ में बिल्कुल एकदम बेकार गंध आए, एकदम बेकार दुर्गंध टाइप की आए, जिसे कोई मटेरियल को खुले में रख दो, कोई मटेरियल खुले में रख दो। जब मैं मटेरियल खुले में रख देता हूँ भैया ना, तो उसमें क्या होता है कि स्वाद उसका बदल जाता है, स्वाद उसका बदल। चिप्स रख दो, चिप्स कुरकुरा रख दो खुले, खोल के पैकेट रख दो, तीन चार दिन बाद खाओ देखो एकदम पता नहीं किसे अजीब तरीके से कसैला कसैला लगेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा, उठा फेंक दो, गहू बेकार चीज है। कारण क्या है? कारण उसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण। वो ऑक्सीजन से क्रिया कर ले रही और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उसमें क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है और स्वाद उसका खाने लायक नहीं रह जाता है। तो जब भी किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला हुआ जो तेल या वसा है, वो जब खुले में होता है, कोई खाद्य पदार्थ जब खुले में रखा जाता है तो उसमें एक तेल या वसा डाल के ही तो उसको बनाया जाता है। भाई कुरकुरे बनाया गया, किसी चीज में तला गया, उसको भूजा गया, भूजा गया तला गया, तो उसको किसी तेल या वसा में तैयार किया गया। और जब तेल या वसा में तैयार किया गया और जब उसको कुरकुरा पैकेट खोल के रख दिया गया, तो कुरकुरा देखते हैं दो तीन दिन बाद खाते हैं, एक उसको उठा खाएंगे तो जीता उसको फेंको, फेंकने का मन कर जाता है। कारण क्या है? उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसमें परिभाषा बताते हैं, जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले स्थान में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है और इसके फलस्वरूप उसका स्वाद हो जाता है बदल, स्वाद बदल जाता है और हमें खाने लायक नहीं रहता है। इसे ही कहते हैं विकृत गंधीता, मतलब गंध उसकी विकृत हो गई, मतलब खराब हो गई गंध उसकी। पहले जो खाने में गंध थी वो बेकार हो गई, उसको मतलब अजीब तरीके से बदबू टाइप की आने लगी। जिसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधीता। शब्द से ही पता चलेगा, आप सोचने की कोशिश करें, शब्द ही बताता है कि हम कौन है, शब्द ही बताता है हम कौन है। ठीक, तो लिखेंगे जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसका स्वाद बदल जाता है इसे विकृत गंधीता कहते हैं भैया। ठीक, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। जैसे हम, ये हमारा कुरकुरे पैकेट है, इसको हम खोल के रख दिए हैं, ये मझौवा कुरकुरे है, एक नलकी है, एक नलकी है, एक नलकी इधर है, हैं? तो ये कुरकुरे पैकेट खोल के रख दिया हूँ, तो इससे क्रिया कर लिया ऑक्सीजन से और स्वाद क्या हुआ? बदल गया, स्वाद बदल गया। इसे ही क्या कह दूंगा? विकृत गंधीता। मैं चाहूं तो एक फिगर में भी इसको स्पष्ट कर सकता हूं कि क्या है विकृत गंधीता। बस कुरकुरे पैकेट था, खोल के रखा हुआ था, ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, सेवराई गया कड़क नहीं ना, तो कड़क नहीं तो यही सा और स्वाद बदल गया। कहा थे एकदम अजीब सा लग रहा है, कड़वा कड़वा टाइप का ना, तो बेकार लग रहा है, तो खाना नहीं चाहते, तो वही कारण है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधीता। याद हो जाएगा, बस ये टॉपिक का समाप्त हो गया। देखो
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें इन चीजों को बचाना है तो इसका सबसे पहले कारण पता होना चाहिए कि इसकी दुश्मनी किससे है, ऑक्सीजन से। तो ऐसे पदार्थों को पहला नंबर वायुरोधी पात्रों में रखा जिसमें हवा ना जाए, पहला नंबर, क्योंकि दुश्मनी इसकी हवा से है, तो हवा से ही तो दूर रखेंगे, तो वायुरोधी पात्र में रखेंगे। दूसरा ऐसा है कि जिसे अगर निम्न ताप पर पकाया गया है तो उसका दोबारा प्रशीतन कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको दोबारा गर्मी दे देनी चाहिए। गर्मी ठंडी में तो यही होता है ना, या गर्मी में बहुत गर्मी भोजन मतलब कहें थोड़ा पकाए दियो नहीं खराब दिए, गर्मी में खाना बजे कहें थोड़ा पकाए दियो नहीं आज दिखाई दी खराब दे नमस्ते खराब दिए। तो यही कारण है, निम्न ताप पर किए हुए भोजन का फिर से क्या कर देंगे, प्रशीतन कर देंगे। नंबर दो फैक्ट हो गया। नंबर तीन हो गया जिसको आलू जो चिप्स आता है, आलू चिप्स वाला, उसमें ऑक्सीजन की ऊपर क्रिया करके उसका स्वाद बदल लेता है, तो ऑक्सीजन के स्थान पर एक गैस बनी जाती है नाइट्रोजन गैस। तो जो चिप्स वाला रहता है मैटर, तो चिप्स में आलू वाले चिप्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस रहती है, ठीक, या फिर कुछ प्रति ऑक्सीकारक मिला देते हैं जो जिससे कि वो ऑक्सीकरण उसका नहीं होता है, जिससे कि ऑक्सीकरण नहीं होता है मतलब वो पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, ठीक। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई कि वायु रोधी पात्र में से वायु नहीं जाएगी, आलू वाले चिप्स में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भर देते हैं, और कम तापमान पकाए हुए भोजन तो दोबारा उसको पका देंगे जिससे खराब होने का डर कम रहेगा, या फिर किसी भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखेंगे, नहीं तब भी खराब होने का डर रहता है, सीधे सूर्य के प्रकाश में भी नहीं रखते तो क्या होने का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है। तो ये सब तरीके, सब नॉर्मल तरीके, इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में पूछा जाएगा तो हमको बहुत ऐसा नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, इसको सब हम कर ले जाएंगे, ठीक। इसलिए इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक।